नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्रधर्म में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली एनसीआर के लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। जी हां, करीब एक साल से बंद पड़े दिल्ली उत्तर प्रदेश और दिल्ली हरियाणा बॉर्डर अब खुल रहे हैं। किसान आंदोलन वाली जगह से दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड्स हटाने शुरू कर दिए हैं। कटीली तारें हटाकर रास्ता बनाया जा रहा है। नेशनल हाईवे 9 और 24 को खोल दिया गया है। उधर किसान नेता राकेश टिकैत ने दोहराया कि रास्ते किसानों ने नहीं रोक रखे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि रास्ते खुले तो आंदोलनकारी किसान ट्रैक्टर लेकर फसल बेचने संसद जाएंगे। बैरिकेड हटने के बाद गाजियाबाद नोएडा से दिल्ली जाने वाले लोगों के लिए काफी राहत हो जाएगी। हाईवे बंद होने के कारण वाहनों को काफी घूम कर जाना पड़ता है, जिससे 20 मिनट का रास्ता अमूमन 1.5 से 2.25 घंटे का हो जाता है। राष्ट्रीय राजधानी और उत्तर प्रदेश के आंतरिक इलाकों से मेरठ और उससे आगे आने जाने वाले लोगों को भी राहत मिलेगी। किसानों के मुताबिक रास्ता खुलते ही वो दिल्ली की ओर कूच करेंगे। पुलिस के अनुसार वह प्रदर्शनकारियों के संपर्क में है। स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक ने कहा कि बातचीत से गतिरोध का हल निकाला जाएगा। हालांकि इन सब के बीच अब सवाल ये उठता है कि जब रास्ते पर लगी बैरिकेडिंग हटा दी गई है तो बातचीत पर लगी बैरिकेडिंग कब हटेगी। वो दीवार हटा रहे, जो उन्होंने दीवार चीनी थी वो हटा रहे और रास्ते खुलेंगे। भाई हम भी अपनी फसल बेचने पार्लियामेंट पर जाएंगे, रास्ते खुलेंगे तो जाएंगे हम भी। और संयुक्त मोर्चा क्या फैसला करेगा उस पर करेंगे। रास्ते तो खुलने ही चाह, हम भी तो 11 महीने से बैठे के हमें दिल्ली जाना था, नहीं जाने दिया। फसल बेचेंगे अपनी, हमारे ट्रैक्टर जाएंगे पहले दिल्ली, ट्रैक्टर जाएंगे। इन रास्ते को लेके कई बार किसानों के संगठनों पे आरोप लग रहे थे कि हमारे पे कोई आरोप नहीं लग रहे ना, हमने रास्ते रोक रखे। ठीक है, हम भी दिल्ली चलेंगे अपना ताम झाम लेके। अब जब दिल्ली पुलिस इन रास्तों को साफ कर रही है, इन बैरिकेडिंग रास्तों से हटा रही है, आना जाना शुरू, जिससे कि आना जाना शुरू हो सके। पहले भी हट रहे हैं। कोई आदमी ऐसा नहीं है कि जो मुझे फलगर से, मेरठ से या बाहर से चला रहा वो दिल्ली ना गया हो। ठीक है ना, रास्ते हमने रोक रखे यहाँ, वो आज भी लोग आ जा रहे। जब ये हट जाएंगे क्या होगा तो उसके बाद में हम अपना बयान देंगे। वहां बैठेंगे जहां से कानून वापसी होते हो, वहां बैठेंगे जहां कानून बनते हो। हमें तो वहां जाना है ना, हमें और किसी से क्या लेना देना। हमारा मतलब है देश में जो गलत कानून बनाए गए हैं, जिसको देश का किसान नहीं मानता, उन कानूनों को वापस ले लो। हम तो यहां से वापस चले जाएंगे। MSP पे कानून बना दो, हम यहां से वापस चले जाएंगे। अगर ये नहीं बनाते हैं ना वापस लेते हैं तो हम जब तक आंदोलन जारी रखेंगे, जब तक कानून वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। क्या आतंकवादी हैं हम? लॉ एंड ऑर्डर कैसे खराब होगी वही नहीं समझ पा रहे हम। क्या हम दिल्ली नहीं जा सकते? कोई ऑर्डर है हमारे खिलाफ दिल्ली नहीं जाने का? अभी बातचीत चल रही है, यहाँ पे इंतजाम इस तरीके के रहेंगे कि वार्ता का दौर भी रहे और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति के हिसाब से पुलिस बंदोबस्त भी रहे और कोई स्थिति नहीं बिगड़े, उस पर नजर रखी जा रही है। सर, आने वाले दिनों में क्योंकि आपके ऊपर गाजियाबाद का पूरा लॉ एंड ऑर्डर कर रहा है, तो आप लोगों की तरफ से किस तरह से तैयारी की गई है? क्या नहीं, तैयारी हालातों पर नजर रखी जा रही है। सभी स्तर पर सभी लोगों से, सभी स्टेक होल्डर से बातचीत इसमें जारी है और उसके हिसाब से जहां आवश्यकता पड़ेगी उस हिसाब से ट्रैफिक और लॉ एंड ऑर्डर दोनों की दृष्टि से पुख्ता इंतजाम किए जाए। आपकी वाली साइड भी ओपन? ये साइड तो ऑलरेडी ओपन है जिसमें जा रहे हैं। गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ? हाँ जी, गाजियाबाद से जो दिल्ली की तरफ जो ये हट रही है उसके बाद में वहाँ यूपी पुलिस की बैरिकेडिंग नहीं है। नहीं, ये दिल्ली पुलिस की पहल है और ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं, इसको थोड़ी देर में हम लोगों की तरफ से जो ये ब्लॉक लगाया हुआ था इसको हम रिमूव करेंगे और बाकी प्रोटेस्टिंग फार्मर्स हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे, उनसे हम बातचीत भी कर रहे हैं और उनसे फर्दर रिक्वेस्ट होगा ताकि ये जो रास्ता है, ये जो हाईवे है, इसमें आम लोगों की को जो असुविधा हो रही है वो असुविधा खत्म हो और सुविधाजनक तरीके से लोग आ जा सकें। धन्यवाद। फार्मर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं और जब ये बैरिकेडिंग हट जाएगी तो क्या बातचीत हुई है कि वो हटेंगे अपना? कोशिश हो रही है, बातचीत करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि जो जेस्चर है दिल्ली पुलिस की तरफ से। तो नए कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन के चलते दिल्ली को हरियाणा से जोड़ने वाला रास्ता बंद था और 11 महीने बाद टीकरी बॉर्डर खुलने जा रहा है। किसानों को रोकने के लिए बॉर्डर पर लगाई गई कीले और कांटे गुरुवार को उखाड़ दिए गए और सड़क पर डाले गए बड़े बड़े बैरिकेड्स हट गए हैं। इस पर आज नेताओं की प्रतिक्रिया आपको सुनाते हैं। होती है कि जो दिल्ली बॉर्डर पे किसान आंदोलन चल रहा था या उन लोगों ने जिस तरह का धरना प्रदर्शन कर रखा था, सुप्रीम कोर्ट की भी टिप्पणी हुई कि कोई रास्ता आवागमन न हो, तो इसलिए हमारा प्रयास, प्रशासन का प्रयास, सबका होता है कि कहीं भी आवागमन बाधित न हो।
इससे बहुत कठिनाइयां होती हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरह से इस किसान के तीनों बिल को लेकर के केंद्र सरकार बात करने के लिए तैयार रही, 11 बार बातचीत किया गया और कहा गया कि तीनों कानून में अगर कोई भी ऐसा प्रावधान हो जो किसानों के हितों के प्रतिकूल हो तो उस पर सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। लेकिन अब वो किसान आंदोलन किसानों के हित की बात नहीं है बल्कि राजनीति से प्रेरित हो गया और राजनीति हो रहा है। सर, किसान नेता राकेश टिकैत के कहने के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि किसान कहीं भी फसल बेच सकता है, तो अब हम पार्लियामेंट फसल बेचने जाएंगे, पहले हमारे ट्रैक्टर दिल्ली जाएंगे क्योंकि अब बॉर्डर खुल गए। देखिए, अगर राकेश टिकैत कह रहे हैं कि हम पार्लियामेंट बेचने जाएंगे तो ये यही राजनीति कर रहे हैं। किसान का उत्पाद मंडियों में बिकता है, हमने वन नेशन वन मार्केट बना के और सारी मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक नैम से जोड़ दिया है। देखिए, बहुत लोगों को असुविधा हो रही थी इसलिए रास्ता खोला जा रहा है, ये भी अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ कि अगर ये कदम उठाया गया इसका स्वागत होना चाहिए और किसानों से सरकार बातचीत करे, जो उनकी शिकायतें हैं, जो उनके सवाल हैं, उनको हल करे ताकि समस्या का निवारण हो सके और किसान और इस देश के अन्य मेहनत कश लोग खुशहाली से रह सकें। जिस तरह से किसानों को 11 महीने से सड़क पर रखा गया है वो अपने आप में एक चिंता का विषय है। सरकार को चाहिए कि आगे बढ़कर बड़ा दिल दिखाकर किसानों से बात करे। उनकी तो टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर ट्रैफिक बहाली की जो कवायद है अब वो शुरू कर दी गई है। चलिए अब इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तीन खास मेहमान इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। शिव सिंह जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संयोजक हैं संयुक्त किसान मोर्चा से। विमल सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इनके अलावा संदीप त्रिपाठी जी इंडियन नेशनल कांग्रेस से इस समय हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है ANB न्यूज पर। शुरुआत आपके साथ करना चाहेंगे विमल सिंह जी, आपने रास्ते पर लगे बैरिकेडिंग तो हटवा लिए हैं, अब जो बातचीत पर बैरिकेड्स लगे हुए हैं वो कब हटेंगे? बातचीत के अवरोधक भी तो हटने चाहिए, सबसे ज्यादा तो जरूरी वही है। उनको जो है अन्य विपक्षी पार्टियों के द्वारा फंडिंग कराया जा रहा है तो वो तो राकेश टिकैत जी, अब मैं कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ दिल्ली NCR में क्यों हो रहा है, वो पूरे प्रदेश में होना चाहिए, पूरे देश में होना चाहिए। अगर किसान नाराज है, अगर कृषि बिल को कह रहे हैं कि ये काला है, देखिए सबसे पहले तो ये बार बार कह रहे हैं कि कृषि बिल काला है, लेकिन काला इसमें क्या ये नहीं बताएंगे। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ कि आपने देखा कि जिस तरीके से आप, इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, आपका अधिकार है विरोध करने का, सबका अधिकार है विरोध करने का, लेकिन आप ऐसे विरोध मत करिए जिससे जनमानस को या किसी भी मनुष्य जाति को किसी भी परेशानी का सामना करना पड़े। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आपने देखा कि ये जो आंदोलन, अगर शुरू से बात करें तो शुरू से आंदोलन किस रूप में बहता दिखाई दे रहा है ये मैं भी जानता हूँ, हमारे ANB न्यूज के जो भी हमारे सम्मानित दर्शक हैं वो भी जान रहे हैं। देखिए, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि हमारे बिहार में भी काफी किसान रहते हैं, उत्तर प्रदेश के ईस्ट में भी काफी किसान रहते हैं, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, इसके साथ साथ बहुत ऐसे प्रदेश है जहाँ पे किसानों की संख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन आखिर देखिए कि राकेश टिकैत जी ने कहा, आज मैंने उनका बयान सुना किसी न्यूज के माध्यम से, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसले का हम सम्मान करते हैं और हम जो है हम यहाँ पे थोड़ी ना रुके थे, हमको तो दिल्ली पुलिस ने यहाँ पे रुका था, दिल्ली पुलिस ने बैरिकेटिंग लगाया था। मैं कहना चाहता हूँ कि 26 जनवरी को आपको दिल्ली पुलिस ने आदेश दिया था, दिल्ली पुलिस ने कहा था कि आप जाइए, लेकिन आपने क्या किया? मैं कहना चाहता हूँ ANB न्यूज के माध्यम से हमारे जो भी दर्शक हैं वो भी ये जान ले कि ये राकेश टिकैत है दिल्ली पुलिस के सिपाही रह चुके हैं और 26 जनवरी के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन, 26 जनवरी के दिन हमारे राकेश टिकैत जी ने पुलिस प्रशासन के ऊपर अपने मित्रों के साथ तलवार भाजा। इसके साथ साथ हमारे जो सुरक्षा कर्मी है उनको डंडा से प्रहार किया गया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि राकेश टिकैत जी जो है, चुनाव आता है तो बंगाल चले जाते हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाला है तो ये कहते हैं हिंदू नेता की जो है हत्या की जा रही है। अभी आपने देखा मुजफ्फरपुर जो है जनसभा में उन्होंने अल्लाहू अकबर का जो है नारा दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, राकेश टिकैत जी जो है 2014 के चुनाव में उनको 10,000 वोट उनको मिले थे,
उसके बाद जो है राकेश टिकैत का अगर राजनीति अगर रजस्वत अगर मैं बात करूं तो राकेश टिकैत स्कूल में विमल सिंह जी आपको क्या सिर्फ राकेश टिकैत से बात करनी है क्या? आपकी पूरी बातें मैं तब से शांति से सुन रही थी, खाली राकेश टिकैत क्या इस पूरे धरने को एक ही शख्स चला रहा है या धरने पर एक ही शख्स बैठा हुआ है? और भी कई किसान संगठन है, उनसे बातचीत हो सकती है, खाली राकेश टिकैत का नारा क्यों लगा रहे हैं आप लोग? विमल सिंह जी आवाज मिल रही है आपको? जी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, राकेश टिकैत जी का हम नारा नहीं लगा रहे हैं, हम अनुच्छेद जो है 19(1)(b) का बात कर रहे हैं। उसमें ये लिखा गया है कि आपको जो है अधिकार है, मौलिक अधिकार है आपको आंदोलन करने का, लेकिन शांतिपूर्वक आप आंदोलन कर सकते हैं। आप किसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैठकर मनुष्य जात, देखिए हमारे उत्तर प्रदेश है, हमारे नोएडा से बहुत सारे ऐसे हमारे भाई हैं, हमारे बहनें हैं जो नोएडा से दिल्ली हट गया है ना, बैरिकेटिंग हट गए है ना, बैरिकेटिंग बात घूम फिर कर वही आ गई है। आप एक से दो मिनट कंटिन्यू आप बोले, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि बातचीत से बैरिकेटिंग कब हटेगी। आप जिस अनुच्छेद का जिक्र कर रहे हैं हो तो रहा है उसका पालन, रास्ते खुल रहे हैं, रास्तों से कटीली तारें हट रही हैं, आवागमन सुचारू करने की कोशिश की जा रही है। बातचीत कब सुचारू आप शुरू करेंगे वो जवाब दीजिए ना आप, कि अब बातचीत का रास्ता भी अब खुलेगा। मैं आपका जवाब लूंगी, अन्य मेहमानों का भी एक बार रुक कर लेते हैं। शिव सिंह जी आपसे भी मेरा यही सवाल रहेगा कि चलिए आप लोगों ने सहयोग दिया, आज पुलिस वहां पहुंची, रास्ते खुलवाए गए हैं, आप लोगों से बातचीत भी की गई, आपका सहयोग रहा रास्ते खुलवाने में, अब बातचीत में सहयोग किस तरीके से निभाएगा संयुक्त किसान मोर्चा या अन्य जो किसान संगठन इस समय धरने पर बैठे हुए हैं? आदरणीय पल्लवी जी, जी मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरह से अभी हमारे भाजपा के साथी बार बार राकेश टिकैत का राग अलाप रहे थे, तो इनके जहन में जिस तरह से अभी राज में सिर्फ मोदी जी का कानून चलता है, बाकी सारे लोग कठपुतली बनकर नाचते हैं, ऐसी भाषा का उपयोग कर रहे थे, मैं बहुत देर से बात सुन रहा था। लेकिन पल्लवी जी मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो देश का जो ये किसान आंदोलन है, कि मोदी बनाम आम जनता, आम अन्नदाता का आंदोलन है, आम जनता का आंदोलन है, कि इस कानून से पूरे देश का किसान मजदूर आवाम पीड़ित। रही बात बैरिकेटिंग की, तो जब प्रथम दिन से ही किसान शांतपूर्ण ढंग से दिल्ली जाना चाहता था, अपनी और कष्ट सरकार के समक्ष रखना चाहता था, लेकिन हरियाणा की पुलिस ने हरियाणा सरकार के इशारे पर और दिल्ली की पुलिस ने किसानों को रोक करके बैरिकेड के घेरे में कर दिया, और जब किसान अपनी पीड़ा बताने दिल्ली नहीं जा पाया तो वो है उसी पर जहां पर उसको रोका गया सड़क पर, वही सड़क पर वो धरने में बैठ गया। 11 महीने से निरंतर किसान आंदोलित है, 700 से अधिक किसान अपनी शहादत दे चुके हैं, 11 दौर की बात हो चुके, बात बेनतीजा रही, क्योंकि सरकार का जो रवैया है बात करने का वो पूरा देश जानता है, सरकार किस तरह से बात करना चाहती है, लेकिन किसान इस देश के साथ है और ये इस देश के नागरिक किसान के साथ है। हमने ना तो कभी आवागमन बाधित किया, ना हमने स्वयं केले गड़वाई, ना गड्ढे खुदवाए। अभी मैं दिल्ली पुलिस के अधिकारी का बयान सुन रहा था, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हमने जो बैरिकेड्स लगाए थे उसको हम हटा रहे हैं, ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तो इसमें बार बार राकेश टिकैत जी की बात करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है, और इसको राजनीतिक टूल देने की जरूरत नहीं है। अभी हमारे बीजेपी के साथी बोल रहे थे फंडिंग हो रही है, क्या तमाशा है, अब हम आपकी पोल खोलने लगेंगे तो आप किस तरह की फंडिंग से आप देश चला रहे हैं, अडानी अंबानी की गोद में सोने वाले लोग हैं। तो जी बताइए शिव सिंह जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी तो मैं ये कह रहा था कि ये राजनीति से प्रेरित किसान आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन देश की आजादी का आंदोलन है, देश की रोटी बचाने देश की आजादी। सर देश तो आजादी है, आप
को आपका एक किसान संगठन या यूं कहें कि तमाम जो किसानों को एक कानून से दिक्कत है, तो उसमें देश की आजादी कहां से बीच में आ गई? इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। आदरणीय पल्लवी जी, मैं बता रहा हूं, जब अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भी देश के किसानों ने आंदोलन किया था तो उस समय 2-3 दिन में सरकारें झुक जाती थी और फैसले हो जाते थे, इसलिए मैं कहता हूं ये आजादी का आंदोलन है। अंग्रेजों से भी बदतर बुरे हालात इस देश में पैदा है। 11 महीने से देश का किसान, अन्नदाता, गरीब मजदूर आंदोलित है और ये सरकार कुंभकर्ण की नींद पर सोई हुई है। सरकार को कोई मतलब नहीं होता है। सरकार जहां चुनाव हो रहे हैं सरकार वहां काम कर रही है, सरकार राजनीति पर आमादा है, सरकार को किसानों की पीड़ा से लेना देना है। किस तरह के कानून बनाए गए, किसान क्यों अगला कदम ये है कि आप जो है संसद के बाहर जाकर मंडी लगाएंगे, संसद के बाहर अब आप अपनी फसलें बेचेंगे, जैसा कि राकेश टिकैत कह रहे हैं। इस पर मैं आपका रिएक्शन लूंगी, उससे पहले संदीप त्रिपाठी जी का रुख कर लेते हैं। संदीप त्रिपाठी जी, अभी जो कुछ भी चल रहा है किसान आंदोलन में वो किसी से छिपा नहीं है, अब रास्ते खाली करवाए जा रहे हैं। क्या ऐसा माना जाए कि रास्ते खाली होते से ही किसान आंदोलन का जो असर है वो कम हो जाएगा? संदीप जी, बिल्कुल कम नहीं हो जाएगा। मेरा ये मानना है कि पूरे देश में एक जो है लोगों के अंदर इस कानून के खिलाफ में एक अंदर से पीड़ा है। अब ये जरूरी नहीं है कि हर कोई आंदोलन में पहुंच जाए या हर कोई आंदोलन कर ले, और हर जगह आप कहीं पर भी बैठ के अगर इस चीज की चर्चा करेंगे तो जाहिर सी बात है हर एक व्यक्ति, हर एक किसान इस बात के खिलाफ में है और इस कानून के खिलाफ में है। और भाई साहब पूछ रहे कि क्या काला है, तो मैं बिल्कुल एक एक चीज काला मैं इनको बता दूंगा अगर आप अनुमति मुझे देंगे तो, और भाई साहब चाहेंगे। दूसरी बात, अभी हमारे मित्र ने कहा कि बिहार की बात कही, तो बिहार में जो है आपने एपीएमसी पहले ही खत्म कर दिया या लागू कर दिया था और एपीएमसी मार्केट खत्म कर दी थी, तो क्या वहां का किसान समृद्ध हो गया क्या भाई साहब? क्या वो मतलब वो पूरे देश में सबसे आगे निकल गया क्या? भाजपा के मित्र हमारे ये जवाब दे दे। और एक चीज, उन्होंने राकेश टिकैत जी के फंडिंग पर बात की, तो हमारे भैया भाई साहब भाजपा के मित्र जरा बताएंगे, जब 2013 में जब राजनाथ सिंह जी के साथ यूपीए में और कांग्रेस के खिलाफ में बोल रहे थे राकेश टिकैत जी, जब उस समय आंदोलन कर रहे थे, तो क्या आप फंडिंग कर रहे थे? क्या आप जो है राकेश टिकैत जी को पैसे दे रहे थे? मतलब आप ये अगर आपने किया था तो आपको लगा, ये लग रहा है तो फिर जाहिर सी बात है आपको लगना चाहिए, आपके कर्म ऐसे रहे हैं इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है। दूसरी बात आप समझिए एक बात, हमारे और बड़ी बात, अभी तक जिस तरीके से वो कहा जा रहा था कि किसानों ने रास्ते को रोक रखा था, आज यह बात क्लियर हो गई, एक आम जनमानस में यह संदेश चला गया, जो ये किसानों को और आम पब्लिक को या शहरवासियों को या वहां के नजदीक के लोगों को आमने सामने करना चाहते थे, भिड़ाना चाहते थे, कोर्ट ने कम से कम एक जो है सोल्यूशन निकाल दिया कि उस चीज में भाजपा सफल नहीं हो पाई और अंततः खुद सरकार को स्वीकार करना पड़ा कि ये बैरिकेडिंग हमने लगाई है, इस वजह से वो नहीं जा पाए। और बैरिकेडिंग किस तरीके से? संदीप जी, बस थोड़ी देर के लिए मैं आपको यहाँ पर रोक रही हूँ, छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रास्ते खुलवाए जा रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि आप लंबे समय तक किसी सार्वजनिक जगह को जाम करके नहीं रख सकते, और इसी कड़ी में अब बॉर्डर खुलवाने की जो कवायद है वो शुरू की जा रही है। लेकिन हम सवाल ये उठा रहे हैं कि आप बॉर्डर्स पर लगे बैरिकेडिंग तो हटा रहे हैं, लेकिन बातचीत पर जो बैरिकेडिंग लगी हुई है उसे कब हटाएंगे? बातचीत के जरिए जब इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है तो समाधान क्यों नहीं निकाला जा रहा? तीनों मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं इस मसले पर चर्चा करने के लिए। संदीप जी, आप अपनी बात तो जारी रखिए, लेकिन मैं एक बात ये भी जानना चाहती हूँ कि फंडिंग का तो पता नहीं कौन कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन विपक्षी दल साथ तो पूरा दे रहे हैं इस किसान आंदोलन को, क्यों ना दें? और पहली बात तो ये मान के चलिए पल्लवी जी, इस आंदोलन की शुरुआत कांग्रेस ने की जब ये कानून बन रहा था, जब ये अध्यादेश लाया गया,
कानून नहीं पड़े, ये अध्यादेश आया था, बिल तो बाद में पास हुआ। और इनकी नीयत देखिए, ये जिस तरीके से हिटलर शाही मानसिकता भाजपा के अंदर आज के डेट में है, जो आज की भाजपा है वो हिटलर से और मुसोलिनी से पूरी तरह से प्रेरित सरकार है। और ये चाहते हैं कि हम दो हमारे दो की सरकार चलाना चाहते हैं और किसी की अपने लोगों की नहीं सुनते हैं। आज आप देखिए वरुण गांधी जिस तरीके से किसानों के हिमायती बन के खड़े हुए हैं, उनको जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो है सदस्यता उनकी खत्म कर दी जाती है, उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी से निकाल दिया जाता है। अगर आप जो है किसानों की बात करेंगे तो आपको जो है ये हो सकता है इनका अगर बच चले तो भाजपा से निकाल दे, लेकिन इनकी फूट हो जाएगी, इस वजह से वो बच रहे हैं, हो सकता है भविष्य में ये भी हो जाए। तो ये जो मानसिकता है ये बहुत ही खराब मानसिकता है। और आप समझिए, अभी एक नया उदाहरण मैं आपको देता हूँ, हमारे जो है लखनऊ में अभी प्रधानों के अखिल भारतीय प्रधान संगठन ने एक प्रधानों का जो है उसमें रैली बुलाई और उसने उसकी कुछ मांगे थी उसको प्रधानों को पूरे प्रदेश से बुलाया और उसमें भाजपा सरकार ने अस्पष्ट रूप से सीडीओ के माध्यम से और जो भी उनके अधिकारी हैं उसके माध्यम से जो है सारे प्रधानों को पत्र लिखा कि आपको वहां नहीं जाना है। तो बताइए क्या मानसिकता आ गई है? आप क्या चाहते हैं? लोकतंत्र की आवाज दबा देना चाहते हैं, लोगों के आंदोलन के अधिकार को छीन लेना चाहते हैं। आप जिस तरीके से छात्र आंदोलन करता है तो उसके सर फोड़ देते हैं, किसान आंदोलन करता है तो उसको लाठी मारते हैं, उसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, 26 जनवरी की घटना के जो दुहाई देते हैं हमारे भाजपा के मित्र, आप बताइए उसमें क्या हुआ? कौन से किसान संगठन के लोग पकड़े गए, कितने लोग पकड़े गए? आप वो बात नहीं करोगे, वो तो आपका ही जो है निकला एजेंट, आपके ही पार्टी का वो व्यक्ति निकला, वो कौन से संगठन से जुड़ा हुआ था किसान के, आप तक बताइए, आप नहीं बता पाते हैं। लेकिन आंदोलन को बदनाम करने की साजिश लगातार आप रखते रहते हैं और ये काम कोई नया नहीं है इनका। आप शाहीनबाग में देख लीजिए, PFI कर रहे थे, PFI आ गया है, फंडिंग हो रही है, आज PFI का नाम कौन ले रहा है? आप बताइए PFI में कितने लोग गिरफ्तार हुए, PFI संगठन पर बैन क्यों नहीं हुआ? लेकिन घुबराह इनको करना है, बदनाम करना है। हाँ, बातचीत नहीं करेंगे, ये बातचीत करेंगे तो उसका सोल्यूशन निकलेगा और ये सोल्यूशन चाहते नहीं है, ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं, ये चाहते हैं उनकी मानसिकता रही है। ये तो जग जाहिर है जिस बदनामी के बारे में आप कह रहे हैं, बलात्कार जैसा वहां पर मामला हुआ, इसके अलावा हत्या वहां पर हुई है और उस गांव के लोग काफी परेशान हुए, ये तो जग जाहिर है, इसमें बदनामी वाली बात कहां आ गई? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि लखबीर सिंह की जो हत्या हुई वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कराई, या बंगाल से आई युवती के साथ जो बलात्कार का मामला सामने आया था वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे? पल्लवी जी, कोई भी आंदोलन हो, कोई भी जो है धरना हो, कोई भी प्रदर्शन हो, उसको वहां पर सुरक्षा देना और उस आंदोलन में आए हुए लोगों की सुरक्षा करना और जो भी आंदोलनरत व्यक्ति है उसकी सुरक्षा करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। इस बात को तो आप मानते हैं, भाजपा के हमारे मित्र भी मानेंगे। और अगर यह बात आप मानते हैं तो आपकी सरकार दिल्ली में भी आपके पास लाइन ऑर्डर है और जो हरियाणा में जो जिस बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, उत्तर प्रदेश में जिस बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, जहाँ ये घटनाएं हुई वहां पर आपके ही लोग बैठे हुए हैं, आपके ही प्रशासन है, आपका ही शासन है। तो अगर इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं तो आप जो है किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को नहीं कह सकते हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है वहां की सुरक्षा करना। अच्छा, करना आपकी जिम्मेदारी बनती है किस तरीके से वहां पे लोगों को सुरक्षित रखना है। आप जो है ये कह के नहीं बच सकते हैं कि इसके लिए किसान जिम्मेदार है। आप बताइए, अगर जिले में मेरे कोई घटना होती है तो क्या मैं जिम्मेदार होऊंगा, या जो है वो जो प्रशासन है वो जिम्मेदार होगा, जो शासन है वो जिम्मेदार होगा? तो ये चीजें कहना, और यही तो मैं कह रहा हूँ, बदनाम करने की कोशिश करते हैं ये, जबकि इनका फेलियर है। आपके पास इंटेलिजेंस है, CBI है, LIU है, आपके पास जो है वहां की CID है, बहुत सारे लोग इंटेलिजेंस जो है आपके पास ऑलरेडी, आप शासन और प्रशासन के पास होती है। इंटेलिजेंस को बताना चाहिए था कि बंगाल से एक युवती, एक महिला वहां आंदोलन को समर्थन देने पहुंच रही है और उसके साथ बलात्कार होने वाला है, ये इंटेलिजेंस पता करके रखती, या फिर ये स्थानीय प्रशासन को पता होना चाहिए था कि बंगाल से आंदोलन को समर्थन देने एक लड़की आ रही है और उसके साथ अब बलात्कार करने वाले हैं ये लोग, ये ध्यान रखना चाहिए। तो कैसी बातें कर रहे हैं आप संदीप जी? जी मैं बता देता हूँ, बता, एक मिनट का समय दे दीजिए विमल जी, मैं लौट रही हूँ आपके पास, बताइए जल्दी रखिए बात संदीप जी। जी आप ये कह रहे हैं कि ये बता देना चाहिए, नहीं बिल्कुल नहीं बता देना चाहिए, लेकिन अगर वहां पर आप सुरक्षा पुख्ता व्यवस्था रखते, आपकी जो है पुलिस तैनात होती, जिस पुलिस को आप जो है आंदोलन को रोकने में लगा देते हैं, आगे बैरिकेडिंग में लगा देते हैं, वही पुलिस अगर उनके सुरक्षा में वहां तैनात होती तो ऐसी घटना करने के पहले जो भी अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है वो पुख्ता, इस बात को आप भी मानिए। चलिए, पर आप इस बारे में एक बहुत अच्छी बात ये कह गए कि राजस्थान जो बलात्कार में नंबर वन बना हुआ है, आप ही जिम्मेदार हैं, आपकी पुलिस जिम्मेदार है, आपकी सरकार जिम्मेदार है और कोई जिम्मेदार नहीं है, ये आपने एक्सेप्ट यहां कर लिया है विमल सिंह जी।
कहते हैं कि निवाला छिन गया, वैसे आपने मेरे मुंह से ये बात छीन ली, कोई बात नहीं, आपने जवाब दे दिया। मैं कहना चाहता हूं कि 2019 के चुनाव में शायद एक INC नाम की पार्टी है जिसका नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसका मैंने फर्स्ट पढ़ के सुना दे रहा हूँ। 11वें नंबर पायदान पे हमारे मित्र यहाँ सुन लेंगे तो उनके लिए अच्छा होगा। इनके मैनिफेस्टो में 11वें नंबर पायदान पे ये लिखा गया है कि भारत के हित के लिए, हमारे किसानों के हित के लिए कृषि बिल लाना अत्यंत जरूरी है। इनके ग्रुप 23 के नेता है, सुन लीजिए हमारे मित्र जी, आपके ग्रुप 23 के नेता है कपिल सिब्बल जी, नाम सुने होंगे, बहुत अच्छा वकील है वो। 2013 में जो है संसद भवन में खड़ा होकर बोल रहे थे कि किसानों के हित के लिए कृषि बिल लाना बहुत जरूरी है, भारतीय जनता पार्टी ला देती है तो कृषि बिल जो है काला कानून बन जाता है। सुन लीजिए आपके बीच में, सुनिए ना आपके बीच में, आपके बीच में टीपा टिप्पणी नहीं किया, पार्टी का सुनिए ना, पार्टी का प्रवक्ता हूँ और हमारे दोनों लोग बैठे हुए, दोनों लोग का जवाब के लिए थोड़ा सा समय आपसे ज्यादा लेना चाहूंगा, झूठ मत बोलिए बस। हरियाणा में एक आपसे प्रियंका वाड्रा जी हैं, उनके पति जी का नाम है रॉबर्ट वाड्रा, नाम तो सुने ही होंगे, रॉबर्ट वाड्रा जी के खिलाफ में वहां पे हरियाणा के हमारे किसान भाइयों ने कंप्लेन किया हुआ है और बकायदे वो जो है सुप्रीम कोर्ट में आप जाके देख सकते हैं, रॉबर्ट वाड्रा ने किसानों की जमीन को हड़पा है। 62 साल तक किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस के जो है नेता प्रियंका गांधी जो राष्ट्रीय महासचिव है, उनके पति जो है रॉबर्ट वाड्रा जी जो इनका पूरा कार्य देखते हैं, उन्होंने जो है किसानों की जमीन को हड़पा है। इसके बाद मैं आता हूँ, ये कह रहे हैं कि जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर में है, उत्तर प्रदेश में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं मानता हूँ जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दिल्ली में जो है भारतीय जो पुलिस प्रशासन है वो होम मिनिस्टर के साथ में है, तो मैं मानता हूँ कि हाँ ये बात सही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि NPRB का रिपोर्ट आपने पढ़ा ही होगा 2019 का, उससे पहले 2018 और 2017 का पढ़ा ही है, आपराधिक मामले महिलाओं के साथ छेड़छाड़ में नंबर 1 पे रहा है राजस्थान। इसके साथ साथ मैं बता देना चाहता हूँ, सुनिए आंकड़े के बाद बता रहा हूँ, आंकड़ा सुनिए मैं बता रहा हूँ, इसके साथ अपराध में सुनिए मैं बता रहा हूँ, सुनिए ना मेरी बात सुनेंगे। देखिए आप सुनिए, अभी जो है एक युवती के साथ जो है राजस्थान में जो है बहुत सारे लड़कों ने मिलकर उसके साथ गैंगरेप किया है, इसका मतलब ये है कि वहाँ की सरकार जिम्मेदार है, ये मानते हैं ना आप? मानते हैं नहीं मानते? नहीं नहीं मानते हैं ना, नहीं तो मानते हैं नहीं बात की कांग्रेस जिम्मेदार है। अरे भाई बिल्कुल, मैं कहा कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ कि कांग्रेस के थोड़ी ना है, कार्रवाई करते हैं आपके घर के हाथ उसमें, अब भगौड़े की बात कर रहे थे, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सुनिए ना, सुनिए ना आप जिसका पल्लवी आपको 2 बजे रात को डीजल पेट्रोल ना, आपसे ज्यादा जवान हो, आपसे तेज चिल्लाऊंगा, आपसे तेज चिल्लाऊंगा, आपसे ज्यादा जवान हो, सुना नहीं तो सुन नहीं पाएंगे, सुनिए ना, तब से पके ना, तब से सुनिए, आपने एनर्जी बचा के रखिए, एनर्जी बचा के रखिए, आपने 2 बजे रात पल्लवी जी ऐसे डिबेट नहीं होता है, ऐसे डिबेट नहीं होता है पल्लवी जी, ऐसे डिबेट एक एक करके बात करते हैं। संदीप त्रिपाठी जी उनकी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, फिर मैं लौटती हूँ आपके पास। विमल सिंह जी मैं बताना चाहता हूँ, ये भगौड़े के नाम दिए तो मैं सुनिए ना, विमल सिंह मेरा नाम है, भगौड़े का नाम दिया गया, अच्छा, तो भगौड़ा कौन है ना, पूरे संसद को पता और पूरे हमारे स्वरूप जनता को पता है कि कोई भी जो है बिल पास होती है या संसद में बहस होती है तो एक भगौड़ा है कांग्रेस के अंदर और मनबुद्धि इंसान है, नाम तो पता ही होगा, वो भी भगौड़ा है, वो भाग जाता है। अब आप ये कमेंट कर लीजिए, आप बस यही कमेंट कर लीजिए, एग्जैक्ट मुद्दे पर मत आइएगा, आप बस यही बातें कीजिए। नहीं एग्जैक्ट बात में बता देना चाहता हूँ, हमारे किसान भाई ने कहा तो मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि सरकार जो है आपके साथ जो है 11 बार से ऊपर जो है वार्ता की है, आपने देखा हमेशा सरकार जो है किसानों को समान तरीके से बुलाई, समान तरीके से वार्ता किया गया, लेकिन कुछ उसमें लोग हैं वो जो है इस वार्ता को सफल नहीं करने दे रहे हैं। इन्होंने जो है जब आंदोलन स्टार्ट किया इनका यही था कि जो है MSP नहीं थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी जनसभा से कहा था कि MSP है और रहेगी, इसके बाद इन्होंने कहा कि MSP पे कानून बनाई जाए, माननीय कृषि मंत्री जी का बयान है, हमारे मित्र बैठे हुए वो यूट्यूब पे सर्च करके देख लें, उन्होंने कहा था कि हम जो है MSP पे कानून बनाने के लिए तैयार है, आप
आइए वार्ता तो कीजिए। अब देखिए दिन प्रतिदिन इनकी डिमांडें बढ़ती जा रही हैं। आपने देखा इसके बाद इन्होंने कहा कि ये कृषि कानून काला है, लेकिन इसमें काला क्या है ये नहीं बताएंगे। ये कह रहे हैं इनको समाप्त कर दी जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव हुआ है, इसके साथ साथ बिहार में चुनाव हुआ है, पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ है, वहां भी किसान रहते हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी को भी जय हासिल हुई है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आखिर दिक्कत जो है दिल्ली एनसीआर के किसानों को क्यों है। दिल्ली अगर मान ली कृषि बिल में अगर दिक्कत होती तो महाराष्ट्र के किसानों को भी दिक्कत होती, बिहार के किसानों को भी दिक्कत होती, बंगाल के किसानों को भी दिक्कत होती। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो है दिक्कत इसलिए है कि जो बिचौलिए थे ना, जो उद्योगपति थे, उनका पैसा रुक गया है, वही दिक्कत आ गई है। और आपकी सरकार है, आप इतना समझाने में असफल क्यों हो रहे हैं हरियाणा के किसानों को, समझा दीजिए ना, इतना मुश्किल क्यों है आपके लिए। पल्लवी जी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जनता समझ रही है और जनता समझ रही है कि कौन किसान पता कि कौन किसान है कौन किसान नहीं है। आप देख रही हैं किस तरीके से, जिस तरीके से अगर मैं शुरू से स्टार्ट करूं 26 जनवरी को जो कांड हुआ, उससे पहले जो है सिंधु बॉर्डर पे उमर खालिद और फजील इमाम को पोस्टर लगा कि उसको रिहा किया जाए। इसके बाद आपने देखा किस तरीके से होती है, इसके बाद आपने देख रही है किस तरीके से एक जो है हमारे किसान भाई को जो है जो दलित परिवार जाता था उसको जो है निहंगा करके उसको मार दिया गया। उसके बाद आप देख रही एक महिला के साथ में बलात्कार कर दिया जा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ये चीजें बढ़ रही हैं वो क्या एक किसान कर सकता है। किसान होता है अन्नदाता, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, किसान का मतलब होता है अन्नदाता, अन्न को पैदा करना। लेकिन ये जिस तरीके से आपने देखा किस तरीके से मैं आप बार बार बोल रही कि राकेश टिकैत के ऊपर क्यों आ रहे हैं, तो ये राकेश टिकैत के द्वारा, देखिए आप जब भी किसान नेता बैठे हुए हैं राकेश टिकैत की ही बातों को मानेंगे, ऐसा नहीं होगा कि राकेश टिकैत ने कहा बात को नहीं मानेंगे। राकेश टिकैत जी ने कहा है कि माननीय मोदी जी ने जो है हमारे लिए रास्ता खुला दिया है, अब किसान जो है पार्लियामेंट में जो है अपना साथ बेचेगा। मैं कहना चाहूंगा कि 26 जनवरी को भी रास्ता खुलवाया गया था, 26 जनवरी को आपने किया प्रशासन के ऊपर, आपने जो है तलवारें भाजी, आपने प्रशासन के ऊपर ट्रैक्टर चलाया, आपने जो है हमारे तिरंगे का अपमान किया, और पार्लियामेंट आप जो है देश की सुरक्षा, सुनिए ना, हमारे देश की सुरक्षा के, हमारे देश की सुरक्षा का तालमेल किया जाएगा। एक बात सुनिए ना, ऐसा है, मेरी बात सुनिए विमल सिंह जी, ये इतनी तकलीफ और इतना दर्द जो निकल कर आ रहा है ना, ये लखीमपुर मामले के लिए भी निकल कर आना चाहिए था, उसके लिए किसी का दर्द और तकलीफ निकल कर सामने नहीं आई, वहां पे भी लोगों की मौत हुई है, लेकिन आपको दर्द किसके लिए होता है वो हमें समझ में आ रहा है। और सवाल ये है कि आप अभी यही डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपने 11-12 दौर की जो वार्ता की है वो किसके साथ की है, वो किसानों के साथ की है, वो किसी राजनीतिक के साथ की है, किसके साथ की है, अभी तो आपको यही डिसाइड करने में दिक्कत हो रही है। एक मिनट, पहले कहते हैं कि 12 दौर की वार्ता की हमने किसानों के साथ, फिर थोड़ी देर बाद में कहते हैं कि किसान है ही नहीं। आप डिसाइड कीजिए कि हैं कौन और बात करनी किससे है, और करनी भी है या नहीं करनी है सबसे पहले तो यही सोचिए, या फिर इसी तरीके से बस ये चलता रहेगा। शिव सिंह जी, ठीक है, मैं एक बार शिव सिंह जी का रिएक्शन ले लेती हूँ। शिव सिंह जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी मिल रही। बताइए सर, अब आपका अगला पड़ाव संसद है। संसद में संसद कोई किसी की बपौती तो है नहीं, हम ही लोगों ने सांसदों को चुन करके संसद भेजा है, और इसलिए भेजा है कि ये हमारे लिए अच्छे कानून बनाएंगे, देश चलाएंगे अच्छे ढंग से, देश की पीड़ा को समझेंगे, कष्ट को समझेंगे। लेकिन ये तो पूरी तरह से तानाशाह हो चुके हैं, इसलिए हमें तो हम जिस दिन चाह लेंगे तो हमें ये संसद से, संसद जाने से नहीं रोक सकते हैं, और संसद हम जाएंगे। हम तो अभी प्रेम से बात कर रहे हैं। तो उन्होंने आपको दिल्ली जाने से 26 जनवरी को भी नहीं था रोका, तो आपको अभी तक इन बॉर्डर्स पर बैठकर आंदोलन करने से भी नहीं है, तो संसद जाने से भी आपको कोई नहीं रोकेगा, लेकिन वहां पहुंचने के बीच में जो उपद्रव फैलता है उसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या हम ये माने, जैसा संदीप जी कह रहे थे कि अगर कुछ गड़बड़ होती है तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार और प्रशासन की होगी, संगठनों की कोई जिम्मेदारी नहीं है? जब हम शांतपूर्ण ढंग से बात कर रहे हैं, हम 11 दौर की बात में आप सशर्त बात करने के लिए तैयार हैं, आप किसानों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम अपना एजेंडा लेकर के जाते हैं जिसको लेकर हम 11 महीने से आंदोलित हैं। शिव सिंह जी, मेरे हिसाब से एजेंडा तो अब क्लियर है ना कि तीन काले कानून रद्द करो, बातचीत का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, बस कानून रद्द कर। कृषि मंत्री भी ये बोल रहे हैं कि हम सशर्त बात करेंगे, लेकिन बिल वापसी
पर हम बात नहीं करेंगे, हम एमएसपी पर बात करेंगे, किसान बात, किसान अपनी मांग लेकर के आए, लेकिन किसानों की तरफ से जो आ रहा है बात करने, उनकी बात हमको समझ में आ नहीं रही। ये कृषि मंत्री का बयान है, ये केंद्रीय नेताओं का बयान है, आपने कानून बनाया और आपको ही समझ में नहीं आ रहा कि किसान कौन सी पीड़ा बता रहा है। आपने अंधेरे में कानून बनाया और आपने किसानों तक से पूछने का काम नहीं किया, कोई उसमें मत विभाजन नहीं कराया, बहस नहीं कराया। हमने कौन सा अर्जी दिया था, एप्लीकेशन दिया था किसानों ने कि साहब ये किसान जो कानून देश में पूर्व से लागू है ये बहुत खराब है, हमें अच्छा कानून दे दीजिए। कौन आवेदन लेके गया है? आप मांगने पर तो कुछ देते नहीं है और जबरदस्ती कानून थोपने का काम किए। अभी हमारे साथी बार बार बोल रहे थे ये घटनाएं हुई, ये यहाँ रेप हुआ, लेकिन मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, पूरे देश के का आंकड़ा उठा लीजिए, जो बड़े बड़े रेप की घटनाएं हुई हैं सब में कहीं ना कहीं भाजपा के लोग उसमें शामिल है, इन्वॉल्व है, या उनके नेताओं का उनको बरदहस्त प्राप्त है। आप मैं लखीमपुर खीरी की घटना बता दूं, आप बार बार आज तक अजय मिश्रा की गिरफ्तारी नहीं हुई, बर्खास्तगी नहीं हुई, और उनका जो लड़का बंद है उसको जेल में सेवाएं दी जा रही हैं, जांच प्रभावित की जा रही है। हम मांग कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की वर्तमान जो हमारे जस्टिस है उनके मार्गदर्शन में उनके जांच कराई जाए। आप बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, आप कौन सा कानून देश में लाना चाहते हैं, किस तरह से देश को चलाना चाहते हैं? पूरा देश आज बर्बादी की कगार पर है, आपने दिवाला निकाल दिया पूरे देश का। ये दीपावली आने वाली है, इस देश का किसान आंदोलित है, पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, बॉर्डर पर किसान बैठा है और उनके घरों के लोग शहीद हो गए, वो कैसे दीपावली मनाएगा? आप जश्न मनाया जाएगा दीपावली को, राम राज्य जा जाएगा, राम राज्य की परिकल्पना आप भाजपा के साथ ही बैठे हैं, क्या राम राज्य की परिकल्पना यही है कि हमारे देश का अन्न पैदा करने वाला किसान सड़कों पर मर जाए, सड़कों पर शहीद हो जाए, उनके खिलाफ काले कानून बनाए, उनको प्रताड़ित करें, श्रमिकों के खिलाफ कानून बनाए, इस बेकदर महंगाई से देश को प्रताड़ित करें, क्या यही राम राज्य है, यही राम राज्य की परिकल्पना है? तो इस तरह से देश चलने वाला नहीं है। और हम तो कह रहे हैं कि हमारा बॉर्डर का आंदोलन भी मजबूत है और हम दिल्ली भी जाएंगे, हम अभी शांतपूर्ण तरीके से बात कर रहे हैं, शांतपूर्ण निवेदन कर रहे हैं सरकार से, सरकार को चेत चेत जाना चाहिए। अंग्रेजी हुकूमत में भी आंदोलन होते थे, उत्तरित जो है फैसले लिए जाते थे। बताया जा रहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा की एक बैठक भी होने जा रही है, इस बैठक को लेकर भी मैं आपसे जानकारी चाहूंगी। एक बार संदीप त्रिपाठी जी का रुख कर लेते, उसके बाद विमल जी मैं आपके पास आऊंगी। संदीप त्रिपाठी जी बताइए। जी, हमारे भाजपा के मित्रों ने बहुत सारे एलिगेशन लगाए, इनका काम ही है कीचड़ फेंकना, कीचड़ में कमल खिलता है और इनको जितना कीचड़ फेंक लेंगे उतना इनके लिए फायदेमंद है, काम की बात तो करेंगे नहीं। देखिए, इन्होंने कहा रॉबर्ट वाड्रा और इसका, तो रॉबर्ट वाड्रा भाई आपकी सरकार ने क्लीन चिट दी है, आपको शायद पता नहीं होगा, जाकर सर्च कर लीजिएगा। और अगर मान के चलिए वो अपराधी है, उन्होंने जमीन खा ली, जमीन ले ली, भैया 7 साल से ज्यादा तो आपके क्या 8 साल वहां पर शासन हो गया आपका, क्या किया आपने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ? वो जेल में क्यों नहीं है? जवाब देगी कांग्रेस देगी क्या? आप नहीं, जवाब देगी सुप्रीम कोर्ट दे रही है। अब देखिए देखिए विमल जी, अब थोड़ा पानी पीजिए, ठंडा पानी। रॉबर्ट वाड्रा करने से काम थोड़ी चल जाएगा, चुनाव आ जाएगा तो अभी ईडी भेज देंगे, सीबीआई। राहुल गांधी करने से चुनाव थोड़ी ना जीतेंगे। अरे तो ठीक है भाई, आप लोग बाला जपते रहिए, जितना तो राहुल हम कांग्रेस का वर्कर नहीं जपता होगा तो उतना मोदी जी और भाजपा के कार्यकर्ता जपते हैं, उससे आपको लगता है कि आपका भला हो जाएगा? प्रभु भला करे आपका, हो जाता है। हाँ बिल्कुल, हाँ, जैसे भगवान राम के माले जपने से हो जाता है, वैसे राहुल करने से सबका भला हो जाता है। ऐसा मन बुद्धि दूसरा और है ना, अगर आपके पार्टी के अंदर तो मोदी जी, सुन लीजिए, मोदी जी की बुद्धिमत्ता पर बात आ रहा हूँ, इतने बड़े विद्वान है, आइए ना, साथ पढ़ा लिखा हुआ जबकि आप तक मिला नहीं पूरे देश में, जो इनके साथ पढ़ाई किया हो, आज भी एक मित्र इनका नहीं है जो क्लास फेल हो रहा हो, इनकी डिग्री का पता नहीं है, तीनों की वेबसाइट पर जाकर देख। अरे सर, डिग्री नहीं है लेकिन सत्ता पर राज कर रहे हैं, अभी आप छोड़िए इन सब बातों को, डिग्री कॉलेज हम बाद में कभी इस बारे में डिस्कस कर लेंगे।
आप जानते हैं मैं इधर उधर की बात नहीं करता हूँ, मैं जो बात करूंगा तथ्यात्मक करूंगा और काम की बात करूंगा, फालतू की बात नहीं करूंगा। शरद पवार क्यों कह रहे हैं कि किसान कानून, ये पूरे कृषि कानूनों को रद्द करने की जरूरत नहीं है, बस कुछ संशोधन की आवश्यकता है? कानून पे ही पहुंच रहा हूँ, बस थोड़ा सा भाई साहब ने जो बात कही है उसका बात मैं रख दूं, उसके बाद उसी पर मेरा फोकस ही है किसान, उसी बात रखूंगा। ठीक है, हमारे मित्र ने कहा कि जो है मंद बुद्धि है, मोदी जी कितने बुद्धिमान आदमी है, बहुत ही पढ़े लिखे, नोटबंदी करते हैं लेकिन उससे क्या फायदा होता है, आज तक या बुद्धिमान आदमी नहीं बता पाता है, या विद्वान आदमी नहीं बता पाता कि 100-150 आदमी लाइन में लगकर मर जाते हैं, लेकिन ये विद्वान आदमी नहीं बता पाता कि नोटबंदी से फायदा क्या हुआ। और उसके बाद कहते हैं कि ये कृषि बिल हमारे मैनोफेस्टो को लागू करने के लिए सरकार में आए, अपने मैनोफेस्टो की बात नहीं करेंगे। आपका वो स्मार्ट सिटी शो कहाँ चला गया भाई साहब, 2 करोड़ रोजगार आपके कहाँ चले गए, आपके जो है जो आपने वादे किए थे, जो आपने मैनोफेस्टो में बात कही थी उसकी आप बात ही नहीं करते हैं। हमारे मैनोफेस्टो की बात करते हैं कृषि बिल की, तो बहुत अच्छी बात है, हमने जो कृषि बिल लाया था वो ऐसे ही अंतर है, जिस प्रकार से 18% GST हम लेके आ रहे थे, 28% GST लेके आप आए, और हमने 1 टैक्स की बात की थी, आपने 5 टैक्स GST लेके आए, ये अंतर है। कृषि बिल की बात करते हैं, कृषि बिल का मतलब ये नहीं होता है, रसगुल्ला कई प्रकार के होते हैं, जो है हल्दीराम से लेकर बहुत सारी कंपनियां, सुन लीजिए बात का, दुकानों और बहुत सारे रसगुल्ले होते हैं, सबके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, मतलब रसगुल्ला का आलू भी होता है, आलू भी कई किस्म का होता है। अरे भाई, तो कितने पढ़े लिखे व्यक्ति हो, कितने विद्वान आदमी हो, कितने जो है मूर्ख हो, इसी भी पता चल जाता है, दुनिया की टीवी चैनल ने बता दिया कि भाई साहब वो पूरा वीडियो देख लीजिए उसने क्या कहा है, उन्होंने ये बताया कि मोदी जी ऐसा भाषण दे रहे हैं, मोदी जी की बात आप राहुल जी पर लागू कर रहे हैं, ये आपकी बुद्धिमानी है, मोदी जैसे आप भी विद्वान है, ऐसे ही विद्वान है कि जो है गरीबी 23 करोड़ लोग गरीबी बढ़ गई, रोजगार लोगों का खत्म हो गया, ये मोदी जी की विद्वत्ता है। अब आ जाइए कृषि बिल पर, आपने कहा काला क्या है भाई साहब, इसमें सफेद क्या है, आप बताइए जमाखोरी पर आपने रोक हटाई, इससे किसानों को क्या फायदा होगा, कृपया बताने का कष्ट करें। पहला कानून जो जिसमें आप कहते हैं कि आप कहीं पर सामान दे सकते हैं, कहीं भी अपना अनाज दे सकते हैं, और जो है कोई भी खरीद सकता है, एक पैन कार्ड धारक व्यक्ति कितना भी अनाज खरीदे उसे किसी सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है, वो पैन कार्ड उसके पास हो तो कितना भी अनाज खरीद सकता है, वो आप अपने कानून में कहते हैं 3 दिन में कहते हैं कि भुगतान हो, और अगर वह आदमी जो है 100 करोड़ का अनाज खरीद के और खा जाए और जो है तो किसान उसके खिलाफ कहीं जा नहीं सकता है, कहाँ जाएगा, आपने ट्रिब्यूनल बनाया उसमें 30 दिन के अंदर सुनवाई होगी, अगर वहाँ सुनवाई नहीं होती तो आप SDM के यहाँ जाएंगे, SDM के यहाँ सुनवाई नहीं होती है तो DM के यहाँ जाएंगे, लेकिन कोर्ट नहीं जा सकते। अरे वाह किसान नेता जी, ये गलत बात बोल रहे हैं, पहले सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, अच्छे तरीके से पढ़ के जो है ना डिबेट पे बैठा करिए अच्छे तरीके से पढ़ के, यही लोग जो है ना यही लोग मुझे नहीं आनी चाहिए, आपको आनी चाहिए कि आपको अच्छे तरीके से कृषि बिल का ज्ञान नहीं है, एक आपके तरीके से एक और चैनल को मेरे साथ के कांग्रेस के मित्र बैठे हुए थे, 2 महीना हो गया था CA आए हुए, CA का मतलब नहीं पता था उनको, सुन लीजिए मेरी बात, कृषि बिल पढ़ कर आया करिए, कृषि बिल पढ़ कर आया करिए, संशोधन के लिए सरकार तैयार हो चुकी है। अब अभी से जैसे आप कह रहे थे ना कि विमल सिंह आप है तो संदीप त्रिपाठी में हूँ, बोलने का समय मुझे मिला है, मुझे बोलने दीजिए, सुनिए आप, एक आतंकवादी कोर्ट जा सकता है आप जो है, लेकिन सिविल कोर्ट में किसान नहीं जा सकता, वाह भाई वाह क्यों नहीं जा सकता। अब आ जाइए दूसरे विधेयक पर, आप कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अच्छी बात है कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराएंगे लेकिन मूल्य जो है उससे पहले तय हो जाएगा, अगर बढ़ जाएगा तो किसान कहीं जा नहीं सकता है, उसके और जो उसका फसल की क्वालिटी होगी उस क्वालिटी के आधार पर जो भी कॉन्ट्रैक्टर होगा उसको जो मना कर सकता है कि आपकी ये क्वालिटी सही नहीं है तो माल लेने से मना कर सकता है, ये आपका कानून कहता है, वाह भाई वाह। और तीसरा जैसे मैंने कहा जमाखोरी, जिससे किसान का कोई मतलब ही नहीं है, ये बताइए आशीर्वाद आटा 50 रुपए में है, या आप चले जाइए रिलायंस में 48 रुपए में गेहूं है, जो गेहूं हमारे यहाँ 14 और 15 रुपए में किसान बेचता है, वही रिलायंस की जो है आप मार्ट में जाएंगे तो 48 रुपए में गेहूं बिक रहा है, क्यों बिक रहा है आप समझिए, जब हमारे आप जमाखोरी की खुली छूट दे देंगे
तो जब कोई बड़ा व्यापारी होगा, छोटा व्यापारी बहुत ज्यादा जाएगा, 100 क्विंटल 200। आप अच्छे डिस्क्राइब कर रहे हैं, अच्छी बात है संदीप त्रिपाठी जी, लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जमाखोरी वाले उस पर तो सरकार संशोधन करने को तैयार हो चुकी है, और क्या आप सुनना चाहते हैं? ये तो ऐसे पॉइंट आपने बताया जिस पर संशोधन के लिए सरकार तैयार थी, लेकिन अब तो मुद्दा ही अटक गया है कि नहीं आप कृषि कानून रद्द कीजिए, उसके अलावा हमें कोई बात ही नहीं करनी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, और बड़ा सवाल अभी भी बरकरार है कि बातचीत की बैरिकेटिंग आखिर कब हटेगी। इस मसले पर चर्चा करने के लिए तीनों मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। बताइए विमल सिंह जी, आपका ही रुख कर लेते हैं आप। चलिए बताइए बताइए। अभी आपने कहा कि जो है ये तीसरे जो जमाखोरी कानून है उसमें संशोधन करने के लिए सरकार तैयार है, तो ये बताइए इनको मना किसने किया है? एक चीज समझिए, जब ये जनसंख्या पर कानून उत्तर प्रदेश में आने की बात हुई तो इसके लिए उन्होंने सर्वे रखा, लेकिन इस तीनों कानून को बनाने के पहले कोई सर्वे नहीं रखा गया, अध्यादेश के माध्यम से आता है। तो अगर आपको ये लगता है कि ये हटना चाहिए तो आपको किसानों से पूछने की क्या जरूरत है? आप एक चीज हटा कर कम से कम देखिए तो इसका इफेक्ट क्या है। जो आपको लग रहा है, आप मान रहे हैं कि ये गलत है, तो आप उसको हटा दीजिए, उसके बाद दो जो बचेंगे उस पर बात रखिए। लेकिन आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ ड्रामेबाजी करनी है, तो जाहिर सी बात है कि आप पीछे हटने, आपको इसमें लग रहा है कि आपकी बेइज्जती हो जाएगी। बेइज्जती सरकारों की नहीं होती है, सरकार जितनी संवेदनशील होती है उतनी अच्छी सरकार मानी जाती है। जितनी आप में जो है सुनने की क्षमता होगी, जितने दूसरों के दर्द को महसूस करने की क्षमता होगी, उतने ही आप अच्छी सरकार माने जाएंगे। इस बात को भाजपा को, हमारे मित्र को समझना चाहिए। समझ में आ रही है आपको बातें संदीप त्रिपाठी जी की? मैं कहना चाहता हूँ, और बोलना है महासचिव, बोल लीजिए। और बोलिएगा मत, बोलिएगा मत, समय तो जनता आपको दिखा दी है, समय तो जनता से सुनिए ना, जनता तो समय दिखा दी है, फिर बीच में बोलने लगे, जनता तो समय दिखा दी है। तो आप जो है लगभग सुनिए ना, 7 साल से जो है सत्ता से बाहर है, जनता तो समय आपको दिखाई दी और दिखाई दी। सुनिए ना, सुनिए ना, एक बात सुनिए ना, आप हमसे सीए का फुल फॉर्म पूछे तो बता दे रहे हैं, नागरिकता संशोधन एक्ट होता है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट होता है, दूसरी चीज में बता, सुनिए ना प्रभु, प्रभु ना सुनिए ना प्रभु, उनके नाम तीरों का हम बता रहे हैं ना, सुनिए ना। आपने सबसे पहली बात देखिए देखिए नहीं नहीं गूगल करके हम नहीं बैठे हैं, सुन लीजिए, गूगल करके एक आपके हैं जो ना एक बच्चा बैठता है गूगल करके, फिर भी वो सही नहीं बता पाता, वो पता होगा आपको। देखिए मैं बता देना चाहता हूँ, इन्होंने सबसे पहले कहा कि जो है अगर किसान की कोई भी समस्या होती है, बच्चा तो पहले सुनिए ना, वो बच्चे की वजह से हम लोग जीतते हैं, बच्चा जो है कभी कभी थोड़ी उसका बात कर रहे हैं विमल सिंह जी। नहीं जाना चाहूंगा, ये देखिए अगर शुरुआत की बात देखिए, इन्होंने कहा कि अगर किसान यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, नालंदा में कौन बता रहा है, सुनिए यूनिवर्सिटी, ठीक है ठीक है, मुद्दे पर आ जाते हैं, दोनों से रिक्वेस्ट है मुद्दे पर आ जाते हैं, ठीक है सर, संदीप त्रिपाठी जी, ठीक है। इन्होंने कहा कि अगर किसानों की कोई समस्या हो तो वो एसडीएम के पास जा सकता है, अगर उसकी समस्या का समाधान हो तो कोर्ट में नहीं जा सकता। मैं इनकी बात को काट रहा हूँ, किसान जो है अगर किसी तरीके से परेशान, सुनिए ना मेरी बात, देखिए पल्लवी जी, विमल सिंह मुझे आपने बोलने का मौका दिया, बीच बीच में सुनिए ना त्रिपाठी जी, उसके बाद मैं आपका रुख करूंगी, बताइए। सुनिए पल्लवी जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इन्होंने कहा कि जो है अगर किसी प्रकार की समस्या है तो वो जो है कोर्ट नहीं जा सकता, मैं इनको बता देना चाहता हूँ, सुनिए ना मेरी बात, कि वो कोर्ट भी जा सकता है, वो चाहे जिला कोर्ट में जा सकता है या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, अगर उसकी बात अगर किसी प्रकार कोई समस्या है। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि एमएसपी पे ये जो है एमएसपी, सबसे पहले उन्होंने कांग्रेस ने कहा था जब कृषि बिल आया था कि एमएसपी नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि एमएसपी है, एमएसपी पे हम गारंटी देने के लिए तैयार है, आप आइए वार्ता तो कीजिए। तीसरी बात इन्होंने कहा
किसान से ऊपर डिपेंड करता है कि किसान किसको अपना अनाज दे सकता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं पल्लवी जी, पहले ये होता था गांव में कि एक जो है बिचौली आता था, ये मेरे साथ ऐसा नहीं है, ये किसान नहीं होंगे लेकिन किसान का बेटा सुनिए ना, जाके पता कर सकते हैं, बागी बलिया घर पड़ता है, सुनिए ना, बागी बलिया घर पड़ता है, जाके पता कर लीजिए, सुनिए मेरी बात तो, सुनिए ना, सुनिए ना, सुना सबसे बढ़िया बस पूरी बोले, मेरी बात तो सुन लीजिए, हम ये कहना, सुनिए ना, हम ये कह रहे हैं इनसे, ये आज तक जो है रात में जो है ना नहर से पानी नहीं पटाया होंगे, मैं पानी भी पटाया हूँ, आपको नहीं पता है तो पता सुनो ना, सुनिए ना, ये देखिए मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, इस तरीके से आप एनबी न्यूज के जो है हमारे जो इच्छुक जनता उसको गुमराह मत कीजिए, इन्होंने कहा कि किसान के ऊपर डिपेंड करता, मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे गाँव में एक बिचौलिया आता था, हमसे अनाज खरीद के लेके जाता था, हमसे जो है 10 रुपया में अनाज लेके जाता था और मंडी में 14 रुपया में बेचता था, उसको 4 रुपये का मुनाफा होता था। मैं कहना चाहता हूँ कि आज जो है चाहे विमल सिंह हो या संदीप त्रिपाठी जी हो या कोई, चाहे हरि सिंह जी भी हो, कोई किसान है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपना अनाज जो है किसको बेचता है, वो अपना अनाज जो है विमल सिंह को बेचता है या अपना अनाज जो है पल्लवी राजपूत को बेचता है कि किसको बेचता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये चीजें अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहल की है तो क्या गलत बात की है, आप जाके देखिए, देखिए आप बोल रहे हैं ना, तो मैं भी बलिया का रहना बता देना चाहता हूँ, किसान खुश है, किसान के खेत खाते में जो है प्रत्येक वर्ष जो है 6,000 रुपए आ रहे हैं, किसान उससे खुश है, उससे बहुत ढेर खुश बात है, खुश है उससे किसान, उससे किसान काफी खुश है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए इस जो है, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि ये जो है बिल जो है, ये बिल जो है कांग्रेस पार्टी जो है 2019 के चुनाव में इनका मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम लाएंगे, भारतीय जनता पार्टी ला गई थी काला कानून और ये लाते तो सफेद हो जाता, आप सफेद हो जाता। उसके लिए त्रिपाठी जी जस्टिफिकेशन दे चुके हैं कि जो आप लाए हैं वो जो लाना चाह रहे थे उससे बिल्कुल अलग है। पल्लवी जी मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ है, विगत कुछ महीने पहले की बात है, वहाँ पे देखिए जिला पंचायत का चुनाव हुआ, ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हुआ, ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ है, वहाँ पे वोट करने वाले लोग जो होते हैं वो किसान ही वर्ग के लोग होते हैं, उन्होंने वोट किया भारतीय जनता पार्टी को, उन्होंने क्यों किया है, सुनिए ना, बलिया में देखिए मैं बता दे रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में कौन जीता था, उत्तर प्रदेश में कौन जीता था आप बताइए ना, उत्तर प्रदेश में कौन जीता था, आप बता रहे हैं कि आप मुंडई भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है, मुंडई भारतीय जनता पार्टी नहीं करती, मुंडई को खात्मा करती है, गुंडा राज को खत्म करती है, भारतीय जनता पार्टी गुंडई नहीं करती है। एक सवाल है विमल सिंह, अगर आप भाजपा के एक दिन के कार्यकर्ता होगे तो मुझे ईमानदारी से जवाब दोगे, आपको कसम है भगवान की जिसके नाम पर आप राजनीति करते हो, जरा ये बता दीजिए उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अपराधी कौन है, नाम सबसे बड़ा अपराधी बता तो रहा हूँ, मुख्तार अंसारी है, मैं बता तो रहा हूँ मुख्तार अंसारी है, इसके साथ साथ सुनिए ना, इसके साथ साथ बता दो, सुन लीजिए आप, सुनो अब मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए, उसका नाम है बदन सिंह बद्दो, क्या नाम है पूरा मुद्दा हम भटका चुके हैं, अब हम बाहुबली और इन सब पर आ गए, पूरा मुद्दा भटक चुका है। शिव सिंह जी से मैं आखिरी कमेंट एक जरूर ले लेती हूँ, शिव सिंह जी संयुक्त किसान मोर्चा के, मुझे एक सेकंड का समय दे दीजिए विमल जी, मुझे एक बार जवाब लेने दीजिए शिव सिंह जी से, इटली और इजराइल से काफी अच्छा संबंध है, शिव सिंह जी मेरी आवाज पहुँच रही है आप तक, शिव सिंह जी मेरी आवाज मिल रही है आपको, शिव सिंह जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, विमल सिंह जी आप अपनी बात जरा जल्दी खत्म कर दीजिए और मुद्दे पर रहेंगे हम, कोई लेना देना नहीं है, कौन गुंडा है, किसने गुंडा राज खत्म किया, कौन गुंडा राज लेकर आया, अभी किसानों की समस्या का इससे कोई लेना देना नहीं। मैं पल्लवी जी, मैं आपको सुप्रीम कोर्ट ने अभी आपसे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब मामला जो है कोर्ट में है तो फिर किस प्रकार का ये आंदोलन है, किस प्रकार का जो है उग्र आंदोलन जो है आज देख लिए कि सिंधु बॉर्डर पे हो या गाजीपुर के बॉर्डर पे किया जा रहा है, मैं कहना चाह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की बात क्यों नहीं रख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मामला हमारे समक्ष है, हमारे पास है, तो आंदोलन क्यों किया जा रहा है, भाई आपको इसका मतलब कि सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पर आपको विश्वास नहीं, अभी उस दिन जो है मैं यही हमारे जो कांग्रेस के नेता बैठे हुए थे इनके साथ मैंने उस दिन डिबेट किया था, उन्होंने कहा था कि अगर जो है परिणाम सुप्रीम कोर्ट का अगर फैसला अगर हमारे पक्ष में आता है तो हम ये आंदोलन को खत्म कर देंगे, अगर जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो हमारे पक्ष में नहीं आता तो आंदोलन और उग्र हो जाएगा। सुनिए ना झूठ हम आपके साथ नहीं बोल रहे, ये हमारे मित्र बैठे हुए, देखिए हम ये हमारे मित्र बैठे हुए हैं, मेरे मित्र बैठे हुए हैं,
मेरे मित्र बैठे हुए हैं, मैं वही बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखिए माफी चाहूंगी विमल सिंह जी, अब समय की कमी है, आप दोनों ही मेहमानों का शुक्रिया तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि अब बॉर्डर्स खाली करवाए जा रहे हैं, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या बॉर्डर खाली हो जाने से किसान आंदोलन की जो धार है वो कुंद हो जाएगी? ये तो कहराने वाला वक्त ही बताएगा कि जो अब ये नया ऐलान किया गया है कि संसद के बाहर जाकर मंडी लगाएंगे, वहां जाकर प्रदर्शन करेंगे, इसे सरकार और प्रशासन रुक पाती है या नहीं, और अगर ये नहीं रुकता है तो क्या इसके बाद इस पूरे मसले पर कोई समाधान निकाला जाएगा? इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB News। नमस्कार।